या तो कोई भी नहीं है। पंडित जी से पूछते ना कि सारे गए कहाँ। पंडित जी हाँ जी बेटा बोलो, क्या समस्या है आपको? वो पंडित जी आज गुजराल फैमिली आने वाली थी रुद्राभिषेक के लिए भोलेनाथ की पूजा करने, तो आप बता सकते हो वो लोग गए कहाँ? अच्छा गुजराल फैमिली, वो तो कब की चलेगी यहाँ से? आज रुद्राभिषेक नहीं हुआ था, वो मुहूर्त का थोड़ा गड़बड़ हो गया इसलिए। धन्यवाद पंडित जी, अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा जाओ। मुझे माफ करना ऋषभ, मैं तो तुमसे प्यार करती नहीं, मैं तो इस घर में तुम्हारे जरिए इंतकाम लेने आई थी। मेरा इंतकाम पूरा होते यहाँ से चली जाऊंगी। हे भोलेनाथ, इसे कोई ऐसे मिले जो इससे प्यार करती हो। मैं तो तुमसे चाह के भी प्यार नहीं कर सकती, ये नियति के विरुद्ध होगा। एक नागिन और इंसान कभी एक हो ही नहीं सकते। प्रथा ऋषभ, दरवाजा खोलो जरा जल्दी। आई मम्मी जी। तुम कहाँ थी? हम तुम्हारा कब से शिव मंदिर में वेट कर रहे थे, बताओ। वो मम्मी जी मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं महक के साथ डॉक्टर के पास गई थी। मैं डॉक्टर से मिलके मंदिर आई भी थी, आप लोग नहीं थे। रथा ऐसी कोई दिक्कत थी तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? अच्छा छोड़ो, अभी हम शिव मंदिर जा रहे हैं, तुम दोनों तैयार होके जल्दी से नीचे आ जाओ।